Yes, students. Now, in this video, we are going to discuss the numericals based on the graph or in pair of linear equation. तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने देखो अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से सुनना सभी उसने बोला आपके पास सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं 2x plus y equal to 6 2x minus y plus 2 equal to 0 we have to solve them graphically and then कह रहा है शेड द एरिया बाउंडेड बाई दिस लाइन एंड x एक्सिस कह रहा है इन लाइन्स और x एक्सिस बीच में जो एरिया बाउंड होगा उसे हमें क्या करना है शेड करना है कह रहा है ऑल्सो डिटरमाइन द इट्स एरिया उसमें रीजन का एरिया भी फाइंड आउट करना है फिर उसके बाद क्लियर है तो हम पहले इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करते हैं देखो स्टूडेंट्स होगा क्या आपके पास ये हमारा ग्राफ है मान लो ये हमारी वाई एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस फर्स्ट लाइन क्या थी आपकी 2x plus y equal to 6 इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं आपको पहले दो वीडियो मैंने ग्राफ बनाने सिखा रखे हैं स्टूडेंट्स दोबारा बता देता हूँ देखो ध्यान से पहले क्या करते हैं हम x के लिए 0 पुट करेंगे जैसे हमने x 0 पुट किया 2 into 0 0 ये खत्म हो गया क्या बच गया y y इक्वल टू 6 x की वैल्यू 0 पुट की y की वैल्यू क्या आ रही है 6 तो पॉइंट क्या बन गया 0.6 पहले हम x लिखते हैं बाद में हम y लिखते हैं हमेशा देन पहले हमने x 0 पुट किया था अब क्या पुट कर लो y 0 पुट कर लो जैसे हम y 0 पुट करेंगे ये पार्ट खत्म हो गया तो क्या बचा 2x plus 0 2x इक्वल टू 6 x की वैल्यू क्या आ गई 3 पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं तो पॉइंट क्या बन गया 3.0 अगर इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करें देखो 0.6 यहाँ पे आएगा और 3.0 यहाँ पे आएगा इन दोनों पॉइंट को जैसे मैंने ज्वाइन किया आई गेट ए लाइन लाइक दिस हमें ऐसी लाइन मिल गई ये लाइन कौन सी है 2x plus y equal to 6 की लाइन क्लियर अब आपकी जो सेकंड लाइन थी वो क्या थी हमारे पास दैट इज 2x plus 2x minus y equal to minus 2 इसको अपलोड करते हैं सेम वे से x की वैल्यू 0 पुट करो जैसे हम x 0 पुट करेंगे ये 0 हो गया माइनस y इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा आपके पास तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पॉइंट बन गया x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 अब क्या करो पुट y इक्वल टू 0 जैसे हमने y 0 पुट किया क्या बचेगा 2x 2x इक्वल टू माइनस 2 x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 x की वैल्यू माइनस 1 y की वैल्यू 0 और एक बार x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 दोनों पॉइंट को यहाँ प्लॉट कर लो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 ये पॉइंट आ गया और माइनस 1.0 ये पॉइंट हो गया जैसे मैंने दोनों को ग्राफ पे प्लॉट किया मेरे आई गेट ए लाइन लाइक दिस मुझे ये लाइन मिल गई दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 की लाइन आपके पास हमने दोनों लाइनें ग्राफ पे प्लॉट कर ली अब हमें करना क्या था स्टूडेंट्स हमारा काम था वी हैव टू फाइंड द एरिया हमें एरिया फाइंड आउट करना था बाउंडेड बिटवीन दीज टू लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे इन दोनों लाइन्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया साफ नजर आ रहा है कौन सा होगा ये वाला होगा ये इन दोनों लाइन के बीच में भी है और साथ में क्या एक्स एक्सिस में भी है ये वाला रीजन अगर देखें तो इस लाइन और एक्स एक्सिस बाउंड नहीं कर रहा क्लोज नहीं हो रहा हमें क्लोज एरिया देखना है बाउंडेड एरिया देखना है हमें तो बाउंडेड एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज दिस हमेशा शेड करना था इसे हल्की सी पेंसिल से क्या कर सकते हो आप शेड कर सकते हो बाद में आप शेड कर लेना इसको स्टूडेंट्स लाइक दिस तो यू कैन शेड इट तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना था हमने एरिया शेड कर लिया देन उसने बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मान लो ये पॉइंट हो गया ए दिस इज बी दिस इज सी हमें इसका एरिया निकालना है ठीक है अब एरिया कैसे फाइंड आउट कर देखो सुनो अगर आप ग्राफ पे चेक करोगे दिस इज पॉइंट इज 1.4 एक्स की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे वाई की वैल्यू 4 होगी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा बताओ एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो 1/2 बेस क्या है ये डिस्टेंस देखो ध्यान से अगर इस डिस्टेंस टोटल चेक करें देखो 0 से लेके 3 तक तो ये जितना हो गया पार्ट प्लस 1 पार्ट ये है हमें टोटल लेंथ देखनी है स्टूडेंट टोटल लेंथ कितनी देखो 1 2 3 4 चार पॉइंट कवर कर रहा है एक्चुअल में ये ठीक है तो बेस कितना हो गया इसका 4 सेंटीमीटर 4 यूनिट का और हाइट भी कितनी देखो हाइट यहाँ से लेके सेंटर से लेके ऊपर तक का डिस्टेंस होता है अगर इसे ध्यान से देखिए वाई में चल रहा है वाई में डिस्टेंस कितना चल रहा है हम 4 तक जा रहे हैं कितने जा रहे हैं 4 तो ये कटेंगे 2 पे तो आंसर क्या आ गया 8 स्क्वायर यूनिट एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है स्क्वायर यूनिट स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इन दिस टाइप तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 8 स्क्वायर यूनिट दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्लियर स्टूडेंट्स थैंक यू